हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बात कर लेते हैं हम सबसे अहम खबर की आज की, और वो अहम खबर 10वीं और 12वीं के बच्चों से जुड़ी हुई है। सीबीएसई ने 10वीं के बोर्ड की जो बची हुई परीक्षाएं हैं वो अब नहीं होंगी ये बता दिया है। केवल दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में तनाव के चलते रद्द हुई परीक्षाओं को ही दोबारा कराया जाएगा। 12वीं के बचे हुए 12 विषयों में केवल महत्वपूर्ण परीक्षाएं ही ली जाएंगी। बहुत बड़ा फैसला। हालात सामान्य होते ही शुरू होगी कॉपियों को जांचने की जो प्रक्रिया है। सीबीएसई के अनुसार कॉपियां जांचने और रिजल्ट के आने में अभी कम से कम 2.5 महीने लगेंगे। और सीबीएसई के सचिव ने एक और बहुत बड़ी अपील बच्चों से और अभिभावकों से की है कि पैनिक बिल्कुल ना करें। लॉकडाउन के दौरान देश के लाखों छात्र छात्राओं के मन में बहुत आशंकाएं हैं कि क्या कुछ होगा उनके रिजल्ट को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर। इन सभी बातों का समाधान के लिए हमारे साथ बात करने के लिए हैं सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी जी। अनुराग जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। अनुराग जी, बहुत आशंकाएं हैं लोगों के मन में, खासकर रिजल्ट को लेकर। अभी बहुत सी परीक्षाएं हो चुकी हैं, बहुत सी होनी बाकी हैं परीक्षाएं, 10th की और 12th की। इन सभी मुद्दों का समाधान क्या है, कैसे, क्या आप लोग एग्जाम कराएंगे अभी नहीं कराएंगे, पहला मेरा सवाल यही है आपसे। नीरज जी, ये एक ऐसा समय है जब कोविड का संकट पूरे विश्व में है, और सीबीएसई बोर्ड, देश के बाकी बोर्ड और पूरे विश्व के सारे इंस्टीट्यूशंस ऑलमोस्ट लॉकडाउन है। तो मेरा पहला सजेशन यह है बच्चों से, पेरेंट्स से और टीचर से, कि इस समय पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पेशेंस रखें, घर पर रहें, जितनी सेल्फ स्टडी हो सकती है, टीचर के गाइडेंस में हो सकती है, उसको पूरा करें और किसी तरह का तनाव महसूस ना करें, क्योंकि जो कुछ होगा वो पूरे देश और विश्व में एक समान होगा। अगर हमारे इंस्टीट्यूट बंद हैं तो वर्ल्ड वाइड सारे बंद हैं। अगर हमारे रिजल्ट लेट होंगे तो वर्ल्ड वाइड ज्यादातर के लेट होंगे। हमारा इवैल्यूएशन पेंडिंग होगा तो बाकी जगह पर भी होगा। तो इसमें जब सारी चीजें एक समान हैं तो पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो पहली आवश्यकता है बच्चे और पेरेंट्स पेशेंस रखें, धैर्य रखें, और दूसरी आवश्यकता है कि पेरेंट्स बच्चों को पेशेंस के लिए इमोशनली हर तरह से सपोर्ट करें, उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, और इस समय बच्चे किसी तरह के तनाव से ना गुजरने पाए, नहीं तो उनका ये बड़ा नुकसान होगा। जहां तक प्रश्न ये है कि जो परीक्षाएं हो गई हैं या रह गई उन पर हम क्या सोच रहे हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर एक बार ये कहना चाहूंगा कि 10वीं और 12वीं की ज्यादातर परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। सिर्फ 12वीं के 12 विषय ऐसे हैं जिनकी परीक्षा हमें लेनी है। हम लोगों ने 1 अप्रैल को एक डिटेल सर्कुलर निकाला है और उसमें बहुत क्लियर बताया है कि 10वीं की पूरे देश में जो परीक्षा बची हुई थी, छोटे छोटे विषय थे, उनकी अब परीक्षा नहीं होगी। वो इंटरनल असेसमेंट और बाकी पैमानों पर हम उनके रिजल्ट उसी हिसाब से प्रोरेटा बेसिस पे करने का प्रयास करेंगे। हाँ, 10वीं के कुछ बच्चों की परीक्षाएं नॉर्थ ईस्ट जिला दिल्ली, विशेषकर बताना चाहूंगा नॉर्थ ईस्ट जिला दिल्ली, जिसमें किन्हीं कारणों से ये परीक्षाएं रह गई थी, वो परीक्षाएं हम 10वीं की नॉर्थ ईस्ट जिला दिल्ली के लिए जरूर लेंगे, क्योंकि उन काफी बच्चे छूट गए थे। बाकी पूरे देश में 10वीं की कोई परीक्षा नहीं होगी, ये कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये सर्कुलर 1 अप्रैल का है। एक बड़ी बात बता रहे हैं कि 10वीं की जो परीक्षाएं हैं अब कोई भी परीक्षाएं नहीं होगी, केवल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो दंगे के दौरान जो घटनाएं हुई थी वहां पे, उस दौरान जो परीक्षा रद्द की गई थी उन्हीं की परीक्षाएं होंगी, बस यही आपका कहना है। नीरज जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि 1 अप्रैल को ये डिसीजन पूरे देश के सामने सीबीएसई ने भेज दिया था, वेबसाइट पर डाल दिया था, सारे स्कूलों को लिखित में चला गया है कि नॉर्थ ईस्ट जिला दिल्ली के अलावा 10वीं की परीक्षा पूरे देश में अब हम नहीं करेंगे। जहां तक 12वीं का सवाल है, सिर्फ 12 विषयों की परीक्षा हमें करनी है, पूरे देश में करनी है, और वह एक ऐसी चीज है जिसका निर्णय अभी लेना संभव नहीं है। लॉकडाउन ओपन होगा, गवर्नमेंट को अगर लगेगा, सरकार को लगेगा, हेल्थ डिपार्टमेंट को लगेगा कि देश सुरक्षित है, लोग सुरक्षित हैं, बच्चे सुरक्षित हैं, और अब स्कूलों में परीक्षाएं हो सकती, तभी हम करेंगे, क्योंकि जीवन पहले है। शिक्षा को हम शिक्षा के लिए, एग्जाम के लिए बच्चों के जीवन को खतरे में बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। तो 12वीं की बची हुई परीक्षाएं अगर हमको मौका लगा तो हम बिल्कुल करेंगे, और
उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि 12वीं के बच्चे हायर एजुकेशन में जाते हैं, कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस मेरिट बेस्ड होते हैं, फॉरेन कंट्रीज में बच्चे लेने जाते हैं एडमिशन, और सीबीएसई के मार्कशीट की एक वैल्यू है, उनको देखा जाता है। तो अगर 12वीं के बच्चों के किसी विषय की परीक्षा नहीं हो पाएगी तो हम नहीं चाहते कि उनको कोई नुकसान उठे। तो पहला तो प्रयास हम करेंगे कि लॉकडाउन के बाद मौका मिलते ही हम परीक्षा बची हुई करा सकेंगे, लेकिन अगर ये चीज नहीं हो पाती और कोई और संकट आता है तो उसका निर्णय उस समय लिया जाएगा, अभी नहीं लिया जा सकता। और लोगों को धैर्य रख करके बच्चों को, सीबीएसई को, टीचर्स को इस सपोर्ट की जरूरत है। कितनी परीक्षाएं हैं 12वीं की बची हुई हैं, और आपको क्या लगता है कि उन परीक्षाओं में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिनकी परीक्षा लेना जरूरी है या नहीं जरूरी है? देखिए, 12वीं के कुल 12 विषयों की परीक्षाएं बची हुई हैं, जिसमें एक ज्योग्राफी है, भूगोल की परीक्षा बची है, ऐसे ही कुछ ह्यूमैनिटीज के और बचे हुए हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के एक सब्जेक्ट बचा हुआ है, कंप्यूटर का बचा हुआ है। ये 12 ऐसे विषय हैं जिसमें काफी मात्रा में बच्चे हैं, इनकी परीक्षा लेने का हम लोग प्रयास करेंगे और ये हमारी पूरी तैयारी है। जैसे हमें मौका लगेगा हम करेंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, एक कमरे में कम से कम बच्चे बैठाएंगे, लेकिन ये निर्णय हमारा नहीं होगा, ये निर्णय बहुत सोच समझ करके देश को लेना होगा कि बच्चों को संकट ना आए। एक प्रश्न आपने और किया था कि जो परीक्षाएं हो गई हैं हम फाइनली रिजल्ट कब तक देंगे, तो ये दूसरी आवश्यकता है कि जो परीक्षाएं हो गई उनका हम इवैल्यूएशन कर सकें। कुछ इवैल्यूएशन हो गया है, कुछ अभी लंबित है। हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इवैल्यूएशन का मौका मिला तो हम जल्दी से जल्दी इवैल्यूएशन कराने का प्रयास करेंगे। देखिए, बची हुई परीक्षाएं 13 से 15 दिन में होंगी, जो हमारी बची हैं 12th की, ऑलमोस्ट 13-15 डेज लगेगा। हमने ये भी कहा है कि परीक्षा शुरू करने से पहले 10 दिन पहले हम बच्चों को जरूर बताएंगे, टीचर को बताएंगे, जिससे वो पैनिक ना हो, मिनिमम 10 डेज तैयारी का मौका मिले। तो 10 दिन का मौका देंगे, 13 से 15 दिन हमें परीक्षा करने में लगेगा, इसके बाद जो इवैल्यूएशन बचा हुआ है वो भी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 महीने का समय लगेगा। तो सब कुछ ठीक रहा तो हम 2 महीने में अपना कार्य करने का प्रयास करेंगे, लेकिन देश के सामने अगर यह संकट बना रहा तो फिर जैसा सरकार चाहेगी, जैसा देश चाहेगा, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। और बच्चों और पेरेंट्स को फिर कहूंगा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सबके साथ हो रहा है और जो कुछ हम करेंगे बच्चों के फेवर में करेंगे। इसमें घर पर रहें, शांत रहें, धैर्य रखें, घर की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, अपनी स्किलिंग बच्चे करें जो भी वो कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेज अटेंड करें, HRD के स्वयं प्रभा चैनल पर NIUS और NCERT की डेली लाइव क्लासेज चल रही हैं, जिन बच्चों के पास इंटरनेट नहीं हो टेलीविजन पर लाइव क्लासेज अटेंड करें, उनको देखें। NCERT ने पोर्टल पर सारी ई बुक्स अपलोड कर दी है, आपको बुक्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो NCERT के उस पोर्टल पर जाकर के उस बुक्स को डाउनलोड कर लें, उनको पढ़ने का प्रयास करें। बुक्स पूरी पढ़ने की अगर जरूरत नहीं तो वीकली प्लान के तहत चलें। जिन स्कूल में टीचर्स जो हैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं चला पा रहे हैं उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की है।